हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कि आखिर ये सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। ओके, तो इस वीडियो को देखने के पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए आपको इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो क्लॉज के बारे में है। देखिए, बिना क्लॉज के समझे, मतलब क्लॉज जो मैंने ऑलरेडी उसमें डिस्कस किया है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, अगर वो नहीं देखेंगे, मतलब उस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग उसको देख लो, उसको देख लोगे तो ये सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरी तरह से आसान हो जाता है, फिर इजीली समझ में आएगा। मतलब ये फिर कुछ नहीं है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है क्लॉजेस के ऊपर, मतलब वही प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो उस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लोगे, मैं उस वीडियो का लिंक जो है इसके साथ शेयर कर दूंगा। तो सेंटेंस जो होता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, बनावट के मुताबिक, ये तीन तरह का होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ओके, हम लोग एक एक करके इसको हम लोग एग्जाम्पल के तहत सीखेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग क्लॉजेस वाला वीडियो अवश्य देखिए। ओके, सिंपल सेंटेंस जैसा कि आप यहां पर देखे हैं, देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी यहां पर एग्जाम्पल लिखा हूं। अच्छा, सिंपल सेंटेंस कहते किसे हैं? देखिए, जिसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, मतलब एक सब्जेक्ट है और उसके साथ एक प्रेडिकेट है। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बोले सब्जेक्ट तो ठीक है सर, प्रेडिकेट क्या होता है ना, ये भी एक सवाल है। तो देखो, प्रेडिकेट जो होता है इसमें आप मान के चलो एक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रहेगा। ओके, एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्लस एक ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, इसी पार्ट को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, मतलब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, और यही कहलाता है सिंपल सेंटेंस। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, जॉन विल मीट यू ऑन मंडे। ओके, यहां सब्जेक्ट कौन है? देखिए, जॉन है ना, ये सब्जेक्ट है, तो फिर प्रेडिकेट कौन सा है? विल मीट यू ऑन मंडे, ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेडिकेट। ओके, तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिलाकर के क्या बना? सिंपल सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई नो हिज नेम, तो यहां सब्जेक्ट कौन है? आई, और नो हिज नेम यहां पर ये प्रेडिकेट कहलाएगा। ओके, और फिर लास्ट एग्जांपल, जैसे माय ब्रदर बॉट ए कॉस्टली कैमरा, सब्जेक्ट कौन है यहां पर? माय ब्रदर। ओके, और bought a costly कैमरा, आप देख सकते हैं यहां पर भी वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो इसी को हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। मतलब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिला करके सिंपल सेंटेंस बनता है ना। और मैं आप लोगों को एक और, मतलब इस वीडियो में तो आप सिर्फ सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में समझेंगे, मैं एक और वीडियो इसके बाद अपलोड करूंगा जिसमें सिंपल सेंटेंस, स्पेशली सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, मतलब सिंपल, और ज्वाइनिंग सेंटेंसेस में भी आपको एग्जाम में देता है कि ज्वाइन इनटू सिंपल सेंटेंस, तो वो उसके लिए मैं स्पेशली सिंपल सेंटेंस के लिए मैं एक और वीडियो इसी के साथ साथ अपलोड करूंगा, उसको भी आप लोग जरूर देख लेंगे, तो आसानी से आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ जाएगा। ओके, मतलब और डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए ये बात आप याद रखें। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप क्लॉज के वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे, क्यों? देखिए, अभी जब मैं जब एक बात बोल यहां जब रूल्स जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं। ओके, देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें वन प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज भी कह सकते हो आप, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो।
मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, दोनों मिला, या एक से ज्यादा भी सबॉर्डिनेट क्लॉज हो सकता है, तो दोनों मिला करके क्या बनता है, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जब दोनों सेंटेंस मिलते हैं तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इट इज ऑन मंडे व्हेन जॉन विल मीट यू। अच्छा, यहां आप ध्यान से देखें तो आप लोगों को मैंने समझाया था कि इट इज ऑन मंडे क्या हुआ, यहां पर यह हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, ओके, और यहां से व्हेन जॉन विल मीट यू ये हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज, दोनों मिलाकर के क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो आप कैसे समझोगे कि ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, इसी के लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है। ओके, अच्छा अगला एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आई नो व्हाट हिज नेम इज, तो यहां पर क्या है, आई नो क्या हुआ प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है, व्हाट हिज नेम इज ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट मिलकर के पूरा सेंटेंस कौन सा बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, तो वो दोनों मिला करके ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे माय ब्रदर बॉट ए कैमरा व्हिच वाज कॉस्टली। अब देखिए, माय ब्रदर बॉट ए कैमरा, ये क्या है प्रिंसिपल क्लॉज, व्हिच वाज कॉस्टली ये क्या हुआ सबॉर्डिनेट क्लॉज। देख सकते हैं आप, एक प्रिंसिपल और एक सबॉर्डिनेट मिलकर के क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मतलब आपको इतना याद रखना होगा कि एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा जिसके साथ हम लोग एक सबॉर्डिनेट क्लॉज को जब जोड़ देते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज को जब जोड़ते हैं तो दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार हो जाता है। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें मोर देन वन प्रिंसिपल क्लॉज हो, मतलब एक से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज हो, एंड कंबाइंड विथ CCW, दैट इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग, मैंने जो क्लॉज का वीडियो बार बार मैं कह रहा हूं, उस जो मैंने अपलोड किया हुआ है उसको आप लोग जरूर देखिएगा, तभी जाकर के ये इजिली समझ में आएगा, वरना आपको क्या पता कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड क्या है। मैंने उस वीडियो में एक एक वर्ड मैंने वहां लिख दिया है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड जो चार तरह के होते हैं, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव, ये चारों का जो जो वर्ड्स होता है वहां डिस्क्राइब किया है, मैंने एक एक वर्ड वहां पर दिया हुआ है। आप लोग अवश्य उस वीडियो को देखें, तभी जाकर के ये समझ में आएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर एग्जाम्पल को देख लें, जैसे कपिल वेंट टू गोवा एंड शुभम वेंट टू पुणे। आप ध्यान से देखिए, तो यहां एंड जो है ना, यही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड है और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, दोनों तोड़ करके आप इजिली बोल सकते हो, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड से चूंकि ये कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, कंबाइंड है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए, आई इन्फॉर्म्ड यू बट यू डिड नॉट बिलीव मी। देखिए, बट जो है यहां पर CCW है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड है, और ये सामने वाला जो सेंटेंस है ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको आप आराम से तोड़ के बोल सकते हो, आई इन्फॉर्म्ड यू। अच्छा, दूसरा यू डिड नॉट बिलीव मी, ये भी आप इजिली बोल सकते हो, वो कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको, चूंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड से जुड़ा हुआ है, हम लोग इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, सनी वाज लेट सो ही मिस्ड द ट्रेन। अच्छा, यहां पर आप देखिए, सो क्या हुआ, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड, और सनी वाज लेट ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, और ही मिस्ड द ट्रेन ये भी प्रिंसिपल क्लॉज। तो एक से ज्यादा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और क्या चीज से जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। देखिए, आसान है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब भी बनाने को देगा, देखिए दो सेंटेंस दे देगा, बोलेगा ज्वाइन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंसिपल क्लॉज रख करके
जो सबॉर्डिनेट क्लॉज के जो वर्ड्स हैं, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज में ऑलरेडी मैंने बताया है, नाउन या नॉमिनल क्लॉज, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, वो और उनके जो वर्ड्स मैंने दिया है, बस उसी वर्ड्स से आप जोड़ दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड मैंने उसमें समझाया है क्लॉजेस में, वो चार तरह के जो होते हैं, ठीक है, उस वर्ड्स से जब आप जोड़ दोगे, दो सेंटेंस को जब जोड़ोगे तो कंपाउंड सेंटेंस ही वो बनेगा, वो ऑलरेडी कंपाउंड ही बनेगा। तो मैंने आप लोगों को समझाया कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा। अब इसके बाद में एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें सिंपल सेंटेंस बनाने के कम से कम 10 रूल होते हैं, 10 रूल्स, उसको अगर सीख लेंगे तो किसी भी तरह का सिंपल सेंटेंस आप इजीली बना पाओगे। तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देख लें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।